ओम शांति। आज 17 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको ये स्मृति दिलानी है। फर्स्ट सेंटेंस आपने कहा, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। हाँ, ये बाबा की फेवरेट पॉइंट है। बाबा जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं, बाप और बच्चे बहुत समय के बाद मिले हैं, तो बाप तुम बच्चों को सारा समाचार सुनाता है। तो बाबा इंटरेस्टिंग वे में सारी जो मुरली है, ज्ञान जो उसमें बाबा देते हैं, उसको इंटरेस्टिंग करके सुनाते हैं समाचार। पहले तो बाबा की मुरली में कभी कभी आता है लॉन्ग 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 अगो, ऐसे करके बाबा शुरू करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये बाबा कह रहे हैं कि मैं तुमको सारा समाचार सुनाता हूँ कि बच्चे, जब से तुम मेरे से बिछड़े हो तब से क्या क्या हुआ। प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु का बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वो जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी हैं तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं। ये बाबा कह रहे हैं कि सारे विश्व के वो नहीं कहला सकते हैं, उनका अपना बच्चा ही उनको मात पिता कहेगा। ये तो मात पिता, ये जो महिमा है, ये शिव बाबा की। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं। गीत है, तुम ही हो मात पिता, माता पिता। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे, कौन सा बाप है, ये तो सिर्फ तुम जानते हो और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। भल बाबा साई मेहर बाबा हैं, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं जो बोलें। तुम जानते हो ये बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते हैं। बाबा कितना निर्माण होकर के कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को सारा समाचार सुनाता हूँ, और ये तुम मात पिता की जो महिमा है, ये शिव बाबा के लिए ही है और किसके लिए नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर कोई देवता के लिए कहें, हनुमान जी के लिए मान लीजिए, उनको मात पिता नहीं कह सकते क्योंकि वो पिताजी हैं, माँ तो नहीं है। अच्छा, श्री कृष्ण जी के लिए कहें, वो भी पिताजी हैं, माँ तो नहीं है। फिर अगर आप सरस्वती माँ के लिए कहें तो वो माँ है, पिताजी नहीं है। लक्ष्मी जी के लिए कहें तो माँ है, पिताजी नहीं है। तो वो कौन हो सकता है? जो निराकार है वही मात पिता हो सकता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी यथारत रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीच को परमपिता परमात्मा व बाप कहते हैं, हम हैं उनके बच्चे आत्माएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का समाचार सुनाया है, कैसे ये सारी माला बनती है। पहले पहले बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, पूरा बता रहे हैं। बाबा ने कहा, मूल वतन का समाचार सुनाया। मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में ये फिरता रहता है,
हम असल में कहाँ के रहने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बातें तो बड़ी सहज है जो बूढ़ियाँ भी समझ सकती हैं कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते। ये भी समझाना होता है, अभी हम ब्राह्मण हैं फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म को तो ज़रूर मानना पड़े। बूढ़ियों के लिए भी ये समझानी बहुत सहज है, तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बाप ने समझाया है कि तुमने 84 जन्म तुम कैसे लेते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखिए, बाबा कहते हैं कि मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ, मैं साधारण रथ में आता हूँ। क्यों साधारण रथ में आता हूँ, सामान्य रथ में आता हूँ, बहुत एजुकेटेड के रथ में नहीं आता हूँ, बहुत ही ऐसे के रथ में नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आत्माएं हैं। तो आत्माएं इस समय शरीर धारण करके कोई वृद्ध हैं, कोई बाल हैं, कोई कैसे हैं। मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ वो सबको समान सुनाता हूँ, और ऐसा ज्ञान होता है जो बूढ़ी माताएं कि जो बाबा कह रहे हैं समझ सकती हैं, तो वो ज्ञान की महत्ता है। बाबा ने कहा कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है, वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र है। वो कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, ये सारा कर्म करने का क्षेत्र है, उसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है। तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो, बैठना तो एक जगह होता है। बाबा ने बताया है कि इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है, रावण को जलाते भी यहाँ है, रावण का जन्म भी यहाँ होता है, यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। हाँ, ये कर्म भूमि है ना कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र था जहाँ कर्म होता है, उसको कर्म भूमि कहते हैं। बाप ने समझाया है तुम जमुना के किनारे राज्य करते हो, तो बुद्धि में याद रहता है कि चार युग और चार वर्ण है, पांचवा ये लीप युग है जिसको कोई जानते नहीं। मुख्य है ब्राह्मण धर्म, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा कब आया, जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे, ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है। बाप समझाते हैं कि जब ये व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूँ, फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं, वो है संपूर्ण रूप। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी है, ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। तो इस प्रकार बाबा ने आज हमें ये भी स्पष्ट किया। देखिए, बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान सुनते सुनते, लगातार सुनते सुनते, उसको धारण करते करते अव्यक्त वतन जो है, सूक्ष्म वतन, वहाँ पर तो फरिश्ते हैं, संपूर्ण स्वरूप वाला ब्रह्मा है। और जो ये वाला ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा पुरुषार्थी ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा उस जैसा बनना चाहता है, तो पुरुषार्थ करके ऐसा बन जाता है। और हम बच्चे भी पुरुषार्थ करते करते अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने कहा बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं, जब बालक होता है तो लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है, परंतु उन्होंने पता नहीं कि उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। ये जो दुनिया वाले हैं वो यही बात बोलते हैं सब। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को भी हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, कृष्ण को छोटा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, उनका छोटा रूप बनाते नहीं हैं। तो ये भी बाबा ने
इम्पोर्टेंट हमें चीज बताई, कभी भी ब्रह्मा छोटे रूप में नहीं है। नहीं है, ब्रह्मा को छोटे रूप में नहीं दिखाते कभी भी। एक चित्र है जिसमें अनसुईया माता बच्चों को ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप से खाना खिला रही है। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़ो। सरकार नौकरी 8 घंटे कर, सरकारी नौकरी 8 घंटे करते हो, उससे भी ये सबसे ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि से ये याद करते रहना, तुम कर्म योगी हो। कितना सहज समझाते हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क हर बात में सहज विजयी। जहाँ निश्चय अटूट है वहाँ विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में ये क्या क्यों कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। वो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। सत्युग में स्वर्ग में दुख की अविद्या, इच्छा की अविद्या, चिंता की अविद्या और भी अविद्या, विकारों की अविद्या, तो जो तो वो सारी हमें यहाँ पे भी अनुभव होंगी। स्लोगन है सदा प्रसन्न चित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।